अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इसके बाद की वीडियोस में हमने देखना है ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के अकाउंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। तो इससे पहले कि हम उस पर जाएं, तो हम देखते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है और उसकी क्या खसूसियात होती हैं। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किसे कहते हैं हम? ऐसी कंपनी जो ज्वाइंटली ओन बाय शेयर होल्डर्स हो, यानी कुछ शेयर होल्डर्स हम कहते हैं उन लोगों को जिन लोगों के कंपनी में शेयर होते हैं, जो मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। तो शेयर होल्डर्स जो कि ज्वाइंटली यानी मिलकर उस कंपनी के मालिक हों, ऐसी कंपनी को हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। तो अगर हम एक ऐसी कंपनी की बात करें जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है और बेचती है बनाकर, तो उसमें स्टॉक हम उस इन्वेंट्री को कहते हैं जो कि कंपनी जो कि गुड सेल करती है। तो अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, तो यहाँ हमारी स्टॉक से मुराद है वो शेयर्स जो कि शेयर होल्डर्स के पास कंपनी के होंगे। शेयर होल्डर्स के पास कंपनी का कितना शेयर है, शेयर को हम कंपनी का स्टॉक कहते हैं। अब जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, उसकी मेन खसूसियत जो है, मेन करेक्टरिस्टिक जो है, वो ये है कि इसमें जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी यानी उन पर जो कर्ज है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड का मतलब ये है कि अगर कंपनी ने कुछ डेट्स लिए हुए हैं, तो डेट्स के लिए शेयर होल्डर्स उतने ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जितनी वर्थ के शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स हैं। जिस शेयर होल्डर के पास जितने शेयर हैं, उतनी अमाउंट के लिए वो अगर डेट्स कंपनी का वापस करना है और अमाउंट नहीं है, तो उनकी लाइबिलिटी उनकी पार्टिसिपेशन तक लिमिटेड होगी। तो ऐसी तमाम कंपनीज को हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की जो मेन डेफिनेशन हमें लॉ बताता है, तो वो हम देख लेते हैं, इसके बाद हम खसूसियात पर आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे आर्टिफिशियल एक पर्सन है और उस पर्सन को रिकॉग्नाइज करता है लॉ, यानी कानून कंपनी को एक पर्सन की हैसियत देता है और पर्सन की तरह उसको रिकॉग्नाइज करता है। उस कंपनी का एक अपना नेम होगा, उसकी एक अपनी स्टैम्प होगी, क्योंकि जिस तरह एक आम पर्सन सिग्नेचर कर लेता है, इस तरह कंपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती। तो इसलिए कंपनी की कॉमन सील, इसे हम कहते हैं, एक स्टैम्प होगी जो जिस पेपर पर लगाई जाएगी। इसका मतलब है वो पेपर उस कंपनी ने अटेस्ट कर दिया है, वो पेपर कंपनी देख चुकी है। और कंपनी के जो शेयर्स हैं, लाइक यहाँ हमने बात की, शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के शेयर ले लेते हैं, और जितने शेयर वो लेते हैं जो कंपनी के ओनर्स हैं, वो उतने के लिए कंपनी के जो है मालिक बन जाते हैं। अब जो शेयर्स वो लेते हैं, शेयर होल्डर अगर ये चाहते हैं कि वो मज़ीद कंपनी के ओनर नहीं रहना चाहते, तो या उसमें से कुछ शेयर्स को वो किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास ये ऑप्शन होती है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन से मुराद ये है कि कंपनी एक दफ़ा जब बन जाती है, उसके बाद कंपनी हमेशा कंटिन्यू रहती है। अगर किसी मेंबर की या शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, लेट सपोज जिन्होंने मिलकर कंपनी बनाई है उनमें से किसी की डेथ हो जाती है, उस सूरत में भी कंपनी जो है वो बंद नहीं होगी। अब जब डेथ हो जाएगी, तो वो शेयर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो उसके अलावा बाकी लोग हैं कंपनी के ओनर्स, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो भी उनमें से लेना चाहे अमाउंट दे के वो शेयर ले लेगा, या इसके अलावा किसी और को भी शेयर होल्डर बनाया जा सकता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की अब जो पहली खसूसियत हम देख रहे हैं, ये है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कानून उस एंटिटी को, उस कंपनी को एक अलग शनाख्त उसकी तस्लीम करता है। और इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन बना रहे होते हैं कंपनी, उससे ये कंपनी डिफरेंट होती है, यानी अलग उसकी हैसियत तस्लीम की जाती है। तो यहाँ हम लिख देते हैं डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन फॉर्मिंग इट, यानी जो पर्सन फॉर्म कर रहे हैं, जो पर्सन कंपनी बना रहे हैं, कंपनी के तमाम मामूलात उन पर्सन्स के नेम पर नहीं होंगे, कंपनी के नेम पर सेल परचेसेस और जो अकाउंट्स बनेंगे वो उस कंपनी के नेम पर बनेंगे। कंपनी के अपने राइट्स होते हैं, कंपनी की अपनी लाइबिलिटी होती हैं, यानी उन पर कर्ज अपने होते हैं, और इसी तरह कंपनी के बहुत से बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये कंपनी बहुत से बेनिफिट्स जो है वो
अवेल कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू टैक्स और लॉ ऑर्डिनेंस, ये सब वहाँ डिटेल्स दी गई होती हैं। इसके अलावा कंपनी कोई भी एसेट या कोई भी चीज़ परचेज करती है, लेट्स सपोज कोई मशीनरी रिक्वायर्ड है, फर्नीचर रिक्वायर्ड है, कोई भी चीज़ रिक्वायर है कंपनी को, तो कंपनी वो अपने नेम पर चीज़ बाय करेगी। और अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रही है, लेट्स सपोज कंपनी की जो फर्नीचर है वो कंपनी चेंज करना चाहती है, तो जो फर्नीचर कंपनी का एग्जिस्टिंग है अगर वो उसे सेल करेगी तो जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के वो अपने नेम पर सेल नहीं करेंगे, वो फर्नीचर कंपनी के नेम पर सेल किया जाएगा और उसमें जो अमाउंट आएगी वो कंपनी के अकाउंट्स में रखी जाएगी, अपने पर्सनल अकाउंट्स में कोई बंदा कोई ओनर वो अमाउंट नहीं रख सकता। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड खसूसियत पर, और हम जानते हैं जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो फाइनेंस को किस तरह से रेज करती है और जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो बेनिफिट किस तरह से ज़्यादा फाइनेंस रेज करने का अवेल कर सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है रेज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, जॉइंट स्टॉक कंपनी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल सरमाया वो अपने बिजनेस में लगा सकती है। अब किस तरह से अपना सरमाया बढ़ा सकती है और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती है कंपनी, ये हम देखते हैं। ये इशू करती है प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की तमाम डिटेल्स होती हैं जो कि शेयर से रिलेटेड होती हैं, कंपनी के शेयर होल्डर से रिलेटेड होती हैं, कंपनी के मैनेजमेंट यानी डायरेक्टर्स जो कंपनी को चला रहे हैं उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो ये जब इशू करती है प्रॉस्पेक्टस, ये डिटेल्स बताती है आम लोगों को, इन्वेस्टर्स को, जो और इन्वेस्टर्स को अपनी बुलाती है कि वो कंपनी में अमाउंट को इन्वेस्ट करें। अब जो इन्वेस्टर हैं वो किस तरह से अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे, जब इन्वेस्टर आएंगे तो वो कंपनी के शेयर्स को परचेज करेंगे। लेट्स सपोज अगर कंपनी का एक शेयर है ₹100 का और कंपनी को नीड है इस वक्त ₹1 लाख की, ये बहुत छोटी अमाउंट है, ये सिर्फ हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है, ₹1 लाख की कंपनी को नीड है, तो कंपनी का अपना एक शेयर ₹100 का इशू करेगी। और कितने शेयर्स इशू करेगी कंपनी, कंपनी ₹1000 के शेयर्स इशू करेगी, तो 1000 शेयर्स इशू करेगी, ये हैं शेयर्स, और एक शेयर जो होगा वो होगा ₹100 का, तो इस तरह से कंपनी रेज कर लेगी ₹1 लाख। अब कितनी अमाउंट कंपनी रेज कर सकती है, ये कंपनी के जो इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जब कंपनी बन रही होती है तो ये उसे उसी वक्त डिसाइड करना होता है और अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ दर्ज कर देनी होती है। वो कंपनी देखेगी कि उसका बिजनेस वो कितना एक्सपैंड कर सकती है, कितना बढ़ा सकती है, उसके अकॉर्डिंग वो लोगों से कभी भी अमाउंट जो है वो रिक्वायर कर सकती है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी के पास फाइनेंस आता है और उस फाइनेंस को कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। इसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो थर्ड करेक्टरिस्टिक है जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, यह है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी एक दफ़ा जब बन जाती है तो इसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग होती है, यानी लंबे अरसे के लिए ये कंपनी एग्जिस्टेंस में रहती है। जैसे ही ये बनती है ये अपना बिजनेस जो है वो कमेंस कर देती है, यानी अपनी बिजनेस शुरू कर देती है। अब शेयर होल्डर्स अगर विदड्रॉ भी कर जाते हैं, यानी कुछ मेंबर्स या शेयर होल्डर्स वो ये चाहते हैं कि वो अब अपने उन्हें अमाउंट की ज़रूरत है तो वो ये कहते हैं कि वो कंपनी से शेयर्स को वापस निकालना चाहते हैं, तो इसके क्या वेज होते हैं, वो शेयर्स को यानी अमाउंट वापस किस तरह से लेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को वो इसके लिए ये करेंगे कि वो जो शेयर्स इनके पास हैं शेयर होल्डर्स के पास, वो ये शेयर्स या तो क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं पहले हमने देखा, तो वो ये शेयर्स जनरल पब्लिक को सेल कर सकते हैं। अब पब्लिक के जो लोग ये शेयर्स बाय करेंगे, अब जिनके पास ये कंपनी के शेयर्स हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर या कंपनी के ओनर्स बन जाएंगे, या इसके अलावा ये भी ऑप्शन हो सकती है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं अभी जो कंपनी के जो शेयर जो बंदा विड्रॉ कर रहा है, जो शेयर होल्डर विड्रॉ कर रहा है, उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वही उस पर्सन के शेयर्स को बाय कर लें और वो ज़्यादा अमाउंट के जो हैं कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएँ।
एक तो ये ऑप्शन है शेयर होल्डर को विदड्रॉ करने के लिए, लेकिन अगर शेयर होल्डर विदड्रॉ कर भी लेता है फिर भी कंपनी जो है वो अपनी हैसियत बरकरार रखती है और वो अपना काम कंटिन्यू रखती है। लेकिन अगर तमाम के तमाम शेयर होल्डर्स मिल के ये डिसाइड करते हैं कंपनी कॉन्टीन्यूसली बार बार लॉसेस में जा रही है और वो ये जो बिजनेस है वो क्लोज करना चाहते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे फिर कंपनी के क्लोज हो जाने को या ख़त्म करने को वाइंडिंग अप कहा जाता है। तो वाइंडिंग अप का एक पूरा प्रोसीजर होता है कि किस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को वाइंड अप करेगी और अपनी कंपनी को क्लोज करेगी। तो वो लॉ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी अपनी जो है वो शेयर होल्डर्स अपनी कंपनी को वाइंड अप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम यानी बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें कंपनी को क्लोज कर दिया जाता है। इसके बाद फोर्थ खसूसियत जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं। अब लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जितनी अमाउंट उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट की हुई है, जितनी अमाउंट के शेयर्स हैं उनके पास कंपनी पर जो डेट है उस डेट को अगर पे करने की काबिलियत कंपनी के रेवेन्यूज या कंपनी की कमाई से वो डेट पे नहीं हो सकता, तो जो शेयर होल्डर्स हैं जितनी अमाउंट उनके पास है जितनी अमाउंट के उनके शेयर्स हैं उतनी ही अमाउंट के डेट्स को वो पे करने के लिए लायबल हैं, उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही है। तो इस वीडियो में हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी की फोर करेक्टरिस्टिक्स देखी, इसके बाद कुछ और करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और फिर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के अकाउंट्स बनाने पर जाएंगे और देखेंगे ये कंपनी किस तरह से किस किस टाइप के शेयर्स को इशू करती हैं।